are now unmuted. Good morning, one and all. Okay. आई होप उससे पहले जो हमने टॉपिक किया था सिलॉक्स अब वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा. हमने उसकी डाउट क्लास भी ले ली थी लास्ट, है ना. आई होप सबको क्लियर होगा वो टॉपिक अच्छे से. ओके ठीक है. ठीक है रवनीत, आपके डाउट्स हैं तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में होंगे बेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं डाउट की. तो आपके नेक्स्ट क्लास में जब भी कोई डाउट सेशन होगा नेक्स्ट टॉपिक का, तब वो डाउट्स ले लेंगे. ठीक है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग कृतिका. तो सर जो पिछले टॉपिक है मैंने वीडियोस देखी सारी आपकी. ठीक है रवनीत, आपने देखी है ना, पॉसिबिलिटी में डाउट है. ठीक है रवनीत, आप डाउट पूछ लो अभी, अगर वो पॉसिबल होगा अभी क्लियर करना तो अभी क्लियर कर दूंगा, नहीं तो कभी भी डाउट सेशन होगा ना जब नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद, तब वो डाउट आपका मैं कंसिडर कर लूंगा. ठीक है रवनीत. ओके ओके रवनीत, चलिए स्टार्ट करें. तो जो प्रीवियस टॉपिक हमने करा था उसका वेटेज मैंने डिस्कस किया था आपका. अब ये जो इनइक्वालिटी टॉपिक है, पहले इसका मैं वेटेज डिस्कस करता हूँ. देखो प्री एग्जाम में, पहले मैं बैंकिंग के लिए बात करूंगा, प्री एग्जाम में इसका वेटेज वापस से 3 से 5 नंबर का है इनइक्वालिटी का, 3 to 5 मार्क्स. सिमिलरली मेन्स में भी इसका वेटेज 3 to 5 मार्क्स का है. ठीक है, मतलब फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स इसका वेटेज इक्वल टू सिलोजिज्म है. ठीक है, तो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. अब एसएससी के लिए आपको सबको पता है कि सिर्फ रीजनिंग आपकी प्री में आती है, तो ये 1 मार्क का वेटेज रखता है टॉपिक. ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इनइक्वालिटी टॉपिक जो है इसका नाम क्या है, बताओ. चलो, आप लोगों ने काफी सारे ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने पढ़े होंगे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आपके, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. ठीक है, आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके कौन से होते हैं, एंड और नॉट. ठीक है, सिमिलरली एक होते हैं आपके कंपेयरिंग ऑपरेटर्स. क्या होते हैं आपके कंपेयरिंग ऑपरेटर्स, कंपेयरिंग ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपके, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू. मतलब अगर मैं बेसिक कंपेयरिंग ऑपरेटर्स की बात करूं तो वो ये 3 होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू. ठीक, गुड आफ्टरनून ऋषभ. ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू. अगर मैं फर्स्ट थर्ड को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सेकंड थर्ड को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है लेस देन इक्वल्स टू, और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ग्रेटर देन, लेस देन. ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप के कंपेयरिंग ऑपरेटर्स होते हैं, और फिर इन्हीं कंपेयरिंग ऑपरेटर्स को 1, 2, 1, 3, 2, 3 को मिक्स करके हमें और अंदर ऑपरेटर्स मिल जाते हैं. ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग दीज ऑपरेटर्स टू स्टडी इनइक्वालिटी. कौन से ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हम, कंपेयरिंग ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं. रितेश, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, तक अभी जस्ट ज्वाइन किया. ओके ओके ठीक है ठीक है. तो क्या ऑपरेटर्स यूज करने वाले हम इनइक्वालिटी में, सबसे पहले बेसिक चीज कंपेयरिंग ऑपरेटर्स का यूज करने वाले.
अब बात आती है कि इन ऑपरेटर्स का एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशन है, उसको स्टडी करना पहले हमें है। ठीक है, यहां पर वन बाय वन हम केसेस देखेंगे। केस वन, अगर मैं आपसे बोलता हूं ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये एक बस आपको स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट इसी तरीके से मिलेगा इक्वेशन फॉर्म में। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो अगर मैं इसी चीज को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं तो देखो किस तरीके से होगा ये। अगर आपका ए बी से बड़ा है तो ए आगे होगा, और बी आपका सी से बड़ा है तो बी सी से आगे होगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन था, ये नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया। अब मुझे ये बताओ इसके बेसिस पर मैं आपके सामने तीन कंक्लूजन लिखता हूं। ए लेस देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल्स टू सी। कौन सा कंक्लूजन इसमें से करेक्ट है? सेकेंड, ए ग्रेटर देन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दिख रहा है कि ए आपका सी से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए ये डेफिनेटली करेक्ट है। बोलो निमेश। जो नंबर लाइन जैसे हमने इंक्रीज किया है तो मतलब हम जैसे जनरली देखते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, तो मतलब हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे भी कर लो, वो तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। आप कह रहे हो उस तरीके से कर लो ना, आगे की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट। हाँ, जैसे हम राइट, हाँ राइट मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। इसमें क्या होगा, ए आपका सी से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, वन सेकेंड, इस चीज को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट अगर हम लोग करें, अगर आप देखो a इज ग्रेटर देन b तो a आगे रहेगा। अब यहां पर दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन c और b इज इक्वल टू c, ट्रू है ना? यहां पर आपके पास दो कंडीशन है, b इज ग्रेटर देन c और b इज इक्वल टू c, करेक्ट? ठीक है, ओके, तो अब यहां पर देखो, अगर b, अगर मैं केस वन के साथ जाता हूं, b इज ग्रेटर देन c तो b को आगे रखूंगा c से, अगर मेरा ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक, सेकंड केस क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज इक्वल टू सी, ये केस है आपका यहां पर, अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग ओनली, राधिका क्या कहना चाहते हो आप? ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो केस नंबर वन क्या था, यहां पर अगर मैं लिखूं इक्वेशन को तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यहां पर अगर लिखता हूं तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक, अब ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में यू आपको क्यों दिखा रहा हूं, अभी सिर्फ इसलिए कि आपको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ठीक है, अगर इसी के बेसिस पर आपके पास कंक्लूजन आते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी और a इज लेस देन c, तो कौन सा करेक्ट होगा? वन। ठीक है, तो वन आपका हमेशा करेक्ट होगा, चाहे आप पहला केस देख लो चाहे आप दूसरा केस देख लो, दोनों ही केसेस में आपका क्या है, a ग्रेटर देन c है। समझ में आई इतनी सी बात? ठीक है, चलो अब देखते हैं थर्ड केस। ठीक है, अभी इन सब चीजों को मत देखना, थर्ड केस क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर दूसरा वेरिएबल लेते हैं क्योंकि हम ए और सी के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर लेते हैं डी एंड डी इज इक्वल टू सी, करेक्ट? अब देखते हैं यहां पर पहला केस, ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है,
ए इज ग्रेटर देन बी, अब बी और डी के बीच में दो रिलेशन है, या तो बी आपका डी से बड़ा है या डी के बराबर है, तो अभी हम क्या करते हैं इसको ग्रेटर लेते हैं, बी ग्रेटर देन डी, बट ये तो हमेशा इक्वल है, डी इज इक्वल टू सी, ठीक। अब केस टू लेते हैं जब बी और डी बराबर है, वो वापस से वही रहने वाला है, ए ग्रेटर देन बी। अब इस केस में बी इज इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू सी, क्लियर? दोनों केस समझ में आए, दोनों केस समझ में आए, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी और ए इक्वल टू सी, क्या करेक्ट है इसमें से? फर्स्ट ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब देखो यहां पर सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी सबको आप लोगों को चीजें क्लियरली सामने दिखाई दे रही है क्योंकि नंबर लाइन बनी हुई है। अब चीज ध्यान में रखनी क्या है वो समझो, जब मैंने यहां पर बात किया था, अब सिर्फ ये देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसको देखो ए को और सी को, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो ए को और सी को। अब आप एक चीज देखो, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर आपके ये तीनों तरह के ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या है? जैसे कि यहां पर ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये भी था, ये भी था, ये भी था, रिजल्टेंट क्या था? ग्रेटर देन। अगर ए और सी के बीच में सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या था? तब रिजल्टेंट क्या था? ये था, ठीक है। और जब ए और सी के बीच में सिर्फ ये था तो अनडाउटेडली वो यही रहने वाला है रिजल्टेंट, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया कि जब भी किसी दो वेरिएबल्स के बीच में या तो ये तीनों टाइप के वेरिएबल्स, तीनों टाइप के सिंबल्स मिले या ये दोनों मिले तो हमेशा प्रायोरिटी पे कौन रहता है? ग्रेटर देन रहता है, क्लियर है ये चीज? ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि यहां से अब सिर्फ एक छोटी छोटी चीजों के पॉइंट वाइज याद रखना है कि अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में ये तीनों तरह के सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं तो प्रायोरिटी पे कौन रहता है? ग्रेटर देन, करेक्ट। अब सर किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में रहे ये, किसी भी ऑर्डर में, मतलब जैसे चाहे पहले ये आए, हाँ। चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे पहले आपका ये आए, चाहे ये आए या ये आए, अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर ये तीनों तरह के सिंबल्स प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी पर रहेगा ग्रेटर देन। समझ में आई ये बात? यस सर। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें अगर आप देखो, अगर मैं वेरिएबल चेंज करता हूं तो ए और डी के बीच में अगर आप बात करो, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा जो हमेशा करेक्ट होगा? ग्रेटर देन, हमेशा क्या बड़ा होगा? ग्रेटर देन। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि ए और डी के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो जब ये दो सिंबल्स किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? ग्रेटर देन। क्लियर है इतनी सी बात सब लोगों को? ओके, अब पॉइंट नंबर थ्री, अगर मैं बात करता हूं बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में चलो यहां पर एक अलग से बात करते हैं इस चीज की, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू। अगर अब आपको आपने ये समझा कि जब भी किसी दो वेरिएबल्स के बीच में ये तीनों सिंबल्स हैं तो इक्विवेलेंट ये है, अगर ये दोनों सिंबल्स हैं तो भी इक्विवेलेंट ये है, और अगर ये दोनों सिंबल्स हैं तो भी इक्विवेलेंट ये, सॉरी, तो अभी आपका इक्विवेलेंट क्या है? जस्ट अ सेकेंड, अगर आपके दो वेरिएबल्स के बीच में ये दोनों सिंबल्स हैं तो अभी आपका इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। बट अगर आपके दो सिंबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में ये दोनों सिंबल्स हैं तो आपका इक्विवेलेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब उस चीज को देखते हैं कैसे, बी ग्रेटर देन डी है और बी इक्वल्स टू डी है, तो पहले केस में बी ग्रेटर देन डी ले लिया और डी इक्वल्स टू सी तो दिया ही हुआ है आपको, ठीक। ओके, अब ये देखो,
अब एक केस क्या है, बी इक्वल टू डी इक्वल टू सी, मतलब सब कुछ यहीं पर। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, क्योंकि देखो जब भी इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो यहां से तो आपको बी ग्रेटर देन सी दिखाई दे रहा है, बट यहां पर आपको बी इक्वल टू सी दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि आप कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते हो, आप कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते हो, बट अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि B इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू C। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, किसी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर ये दो सिंबल्स आते हैं तो रिजल्टेंट होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या समझ में आई ये बात सब लोगों को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक सर, कितना निकल गया? बेसिक तो हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है सर, चलो देख लो, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा मैं। जी सर ठीक है। तो अब हमको ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन करते समय, क्योंकि वहां पर जब एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो पॉइंट नंबर वन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये तीनों सिंबल सात है तो रिजल्टेंट क्या है, ग्रेटर देन। अगर ये दोनों सिंबल साथ हैं तो रिजल्टेंट क्या है, ग्रेटर देन। अगर ये दोनों सिंबल साथ हैं तो रिजल्टेंट क्या है, ग्रेटर देन। अगर आपके ये दोनों सिंबल साथ हैं तो रिजल्टेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। और जब जो अकेले होंगे तो वो अकेले ही होंगे, मतलब ग्रेटर अगर सिर्फ है तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और इक्वल टू है तो इक्वल होगा, क्योंकि जब अकेला सिंबल है किसी दो वेरिएबल्स के बीच में तो उसका तो और कुछ रिजल्ट हो नहीं सकता। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? एक बात थम्स अप कर दो, ये बेसिक चीज। ओके, अब चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अब आप लोग ये मत सोचना जैसा सीन यहां पर है ऐसा ही सीन उल्टे केस में होगा। उल्टा कहने का मतलब ये है, ग्रेटर की बात कर ली, अब जब लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू साथ होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू साथ होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू साथ होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन। और अगर आपके लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू साथ होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू। मतलब कि जैसा आपने ग्रेटर के लिए पढ़ा है वही आपका लेस देन के लिए सिंबल, वही रिलेशन आपका लेस देन के लिए चलेगा। क्लियर? जो आपने लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए पढ़ा है रिलेशन, वही आपका लेस देन के लिए चलेगा सबके साथ। ठीक है, अब बात करते हैं जब दोनों सिंबल्स किसी दो वेरिएबल्स के बीच में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल मिलते हैं तो किस तरह का रिलेशनशिप वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। ठीक है, अब इसकी चर्चा करेंगे कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो a इज ग्रेटर देन b तो ये तो आपका a आगे रहने वाला है b से। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो c है वो b से बड़ा है, वो आपका b से बड़ा है, बट अगर मैं उसकी पोजीशन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू a तो मैं वो डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ c को b से रखना है। तो अगर एक केस में मैंने यहां पर c को रखा तो अभी मेरा स्टेटमेंट की जो एक्सप्रेशन है वो मैं कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। ए इज ग्रेटर देन बी करेक्ट है एंड सी इज ग्रेटर देन बी वो भी करेक्ट है। केस नंबर टू, अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगेन सी को बी से बड़ा रखना है तो सी को मैं यहां पर भी रख सकता हूं ए से आगे, तो अभी मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। केस नंबर थ्री, ए तो बी से बड़ा है, अब मुझे सी को बी से बड़ा रखना है, अगर मैं ए को सी के साथ ही रख दूं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ही नंबर लाइन में मैंने अपने स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन को कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, तो मैंने तीनों चीजों में से सही प्रूफ किया है। तो अगर मुझसे इस पर्टिकुलर केस में कोई पूछता है कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है तो मेरा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई?
ठीक है सर, ये रिलेशन ए और सी के बीच में बताया जा रहा है ना? हाँ, कैन नॉट डिटरमाइन वाला जो था? हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक सर? हाँ बोलो राधिका सर, इसके सेकंड सिचुएशन के अंदर तो फिर सी ग्रेटर हो गया ना सर ए से, तो उससे कोई मतलब ही नहीं ना, सी और ए का कोई रिलेशन है यहाँ पर? सी को तो कहीं भी रखो, आपको ध्यान के रखना है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन बी है, ए और बी से, ए और बी से एक दूसरे के तरफ मुंह करके भी नहीं बैठे हैं, एक दूसरे से गुस्सा है वो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिलॉक्स में याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था ना नो रिलेशन, नो रिलेशन पढ़ाया था आपको सिलॉक्स में, सबको याद है? हाँ सर, ठीक है, उसमें प्लस नो करके, हाँ नहीं 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 वो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, नो रिलेशन बोलने वक्त मैं आपसे दो चीज बोलता था ना कि नो रिलेशन दो तरह का होता है, एक तो एनिमी वाला होता है और एक स्ट्रेंजर वाला होता है, एक स्ट्रेंजर वाला होता है, वो चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगी इस टॉपिक में, जैसे कि ओके, अब जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी, सी इज लेस देन डी, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, मेरा पहला वाला जो बेसिकली जो पहला कंक्लूजन है वो कह रहा है ए ग्रेटर देन सी, दूसरा कह रहा है ए लेस देन सी, तीसरा कह रहा है ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक। अब देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला सी, ये ट्रू है क्योंकि A greater than C का मतलब हो गया मुझे A और C के बीच में क्या देखना है, A और C के बीच में देखने हैं मुझे क्या, सिंबल्स, A और C के बीच में सिंबल्स क्या आ रहे हैं, greater than और equals to, resultant क्या होगा, greater than, तो ये true हो गया definitely, हाँ या ना? Yes sir। उसके बाद ये क्या कह रहा है, A less than C, अब ये मुझे बताओ ये सिर्फ false है या definitely false है? आपको पता है कि सिलॉक्स में अगर कोई चीज सामने दिख रही है और अगर उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करके बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली फॉल्स बोलते हो, सिमिलर इज द केस हियर, अगर आपको पता है ए और सी के बीच में रिलेशनशिप क्या है बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपोजिट बोल रहे हो, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोल रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या हो, डेफिनेटली फॉल्स हो, आपके पास एविडेंस है ना फॉल्स, जब आपके पास फॉल्स के साथ एविडेंस होता है तब आप डेफिनेटली फॉल्स होते हो, क्लियर है ये चीज सब लोगों को? यस सर। उसके बाद अब ए ग्रेटर देन डी है, ये आपका क्या है, फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? महक जितने भी सी एंड डी होते हैं ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले केस होते हैं ना, वो सारे आपके डाउटफुल फॉल्स होते हैं, सिर्फ फॉल्स बोल लो या डाउटफुल फॉल्स बोल लो या कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल लो, तीनों चीजों में फर्क समझ में आया, फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में यहां पर भी, हाँ हिमांशी, वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड का जो केस है हिमांशी, वो यहां पर बेसिकली आपको एग्जाम में सी एंड डी नहीं दिखाई देगा बट वो ऑप्शन आपको एज अ फॉल्स दिखाई देगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब वो फॉल्स केस है, उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा इसलिए आपके दिमाग में सी एन डी आया है, और अगर सी एन डी आया है तो वो फॉल्स का केस है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां पर? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो ऑल थ्री केसेस, क्षेत्र पहले ये बताओ बताना क्या है आपको एग्जैक्टली, तीन ये चीज बताओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है सी ग्रेटर देन ए, तो जब कंक्लूजन सी ग्रेटर देन ए कह रहा है तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन को, कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज के अगेंस्ट बोलते हो, यहां पर क्या है ए और सी के बीच में रिलेशनशिप, यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ए ग्रेटर देन सी,
करेक्ट। तो जब आप ए ग्रेटर देन सी बोल रहे हो तो अगर कंक्लूजन सी ग्रेटर देन ए बोल रहा है तो ये इससे अपोजिट चलने की बात कर रहा है, हाँ या ना? चेत्रा, शांभवी, निवेदिता, शांभवी, गॉट इट, निवेदिता, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज से अपोजिट, बेसिकली यहां पर किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे वो सिलॉग्स हो चाहे वो आपका ये टॉपिक हो, अगर आप स्टेटमेंट से अपोजिट चलने की बात करते हो तो आप स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्लियर? और जब आप स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तो स्टेटमेंट को आप हमेशा ट्रू कंसिडर करते हो, तो जब आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तब आप डेफिनेटली फॉल्स होते हो। यही चीज आपका सिलॉग्स में था और यही चीज आपका यहाँ पर है, बस फर्क क्या है कि वहां पर स्टेटमेंट्स होते थे जो एक वर्बल लैंग्वेज में या आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक एक्सप्रेशन बेस्ड है, ठीक है, बट रूल चेंज नहीं हुआ। अब जब आपने बात की ए ग्रेटर देन डी की, तो ए और डी के बीच में तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, क्यों नहीं है? इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स आ जाए, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, और वो कैसा वाला होगा? स्ट्रेंजर वाला होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला होगा। क्लियर निवेदिता, शाम अभी? ठीक है, तो समझ में आया, पहला पॉइंट ट्रू है, दूसरा डेफिनेटली फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है। निवेदिता, कोई पॉइंट रिपीट करना है क्या अभी? चेत्रा, निवेदिता, शाम अभी, कोई पॉइंट रिपीट करना है क्या बेटा? ओके, अब वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है? आपको पता है कि अगर वन साइड फेस करने वाले सिंबल्स आ रहे दो वेरिएबल्स के बीच में तो उन्हें कैसे ट्रीट करना है? अगर ये आपके साथ है रिजल्टेंट ग्रेटर है, ये आपके साथ है रिजल्टेंट ग्रेटर है, ये आपके साथ है रिजल्टेंट ग्रेटर है, ये आपके साथ है, तो रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, और ओके, यहां तक हो गया। अब उसके बाद अपोजिट फेस करने का मतलब ये है, या तो ये इस तरीके के सिंबल्स दिखाई दे तो आपका रिजल्ट होगा सी एन डी, अगर इस तरीके के सिंबल्स दिखाई दे तो भी रिजल्ट होगा सी एन डी, अगर इस तरीके के सिंबल्स दिखाई दे तो भी रिजल्टेंट होगा सी एन डी, और अगर आपके पास कुछ इस तरीके के सिंबल्स हो तो भी रिजल्टेंट होगा सी एन डी। तो ये समरी है जो हमने अभी पढ़ा है आधे घंटे में, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं तो एक बार आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा है अभी तक। सर बोलिए निमेश। सर हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कैसे? कोई सीरीज है, मतलब इंक्रीजिंग जा रही है या फिर डिक्रीजिंग जा रही है, उसमें अगर कहीं भी साइन चेंज हो जाएगा तो वो सी एन डी में फॉल कर जाएगी। वही वही वही, अगर आप तो मतलब ए से लेके जेड तक वेरिएबल लिख लो, मतलब बीच में बी बी है, सी बी है, डी बी है, जेड, मतलब सारे हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक्स वाई जेड, आपसे ए और जेड के बीच में रिलेशनशिप निकालने को बोला जा रहा है। अगर पूरी सीरीज में कहीं भी ऐसा कहीं सिंबल दिख जाए तो रिजल्टेंट होगा सी एन डी। मतलब वही है कि मतलब क्वेश्चन में हमें जैसे यहाँ अपोजिट पेयर मिला तो हम वहां पर फिर चेक करना छोड़ देंगे, वो सी एन डी में फॉल होगा फिर तो। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, पहले मैं आपको सिंबल सिखा देता हूँ और क्या क्या सिंबल्स हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब सिंबल सा है, अगर किसी भी दो चीजों के बीच में ये लगा हुआ है A is not equals to B, तो इसके सिर्फ दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो A B से बड़ा है या तो A B से छोटा है। A equals to B नहीं है, बस इसका मतलब सिर्फ इतना है। Not equals to का मतलब बराबर नहीं है, बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक, चल आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको देखो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
सबके आंसर्स आने देते हैं. ओके राधिका कह रही है बी. ओके चलो अब यहां पर देखो एफ इज लेस देन सी, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो सी इज ग्रेटर देन एफ. मतलब आपके ऊपर है, आपको अगर लेफ्ट से देखने की आदत है तो लेफ्ट से देख सकते हो, नहीं तो आप राइट से भी देख सकते हो. सी ग्रेटर देन एफ. अगर आप यहां पर देखो आपको सी और एफ के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो पहले ही सी से जाने वाला सिंबल अपोजिट है तो ये हो जाएगा अनफॉलो. उसके बाद ए ग्रेटर देन डी, तो आप देखो ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी लेस देन डी. ये दोनों सिंबल कैसे हैं, अपोजिट फेस करने वाले हैं, तो ए और डी के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलो. क्लियर राधिका, आप भी बोल रहे थे. यस सर. ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए सर. ये क्वेश्चन एज इट इज 3 मार्क्स के आपको प्री में दिखाई देते हैं और ऐसे ही एज इट इज एक क्वेश्चन आपको एसएससी में दिखाई देता है. ठीक है, मेंस लेवल में जो आता है उसकी उसका जो डिस्कशन है वो हम कल क्लास में करेंगे, क्योंकि मेंस लेवल में आता है कोडेड कोडेड इनइक्वालिटी. वो होता क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे उसके ऊपर. ओके ओके सर, एक कॉमन वाले में प्रॉब्लम होती है रिया, कॉमन वाले में जैसे बताओ मुझे एक बार, कॉमन से आपका यहां पर क्या मतलब है, थोड़ा एलैबोरेट करो अपनी प्रॉब्लम को. कॉमा कॉमा में प्रॉब्लम कॉमा में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कॉमा का मतलब क्या है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपको पहली सिटी से तीसरी सिटी जाना है, डायरेक्ट अगर रोड नहीं है तो आप दूसरी सिटी होते हुए जाओगे तो कनेक्ट करो, पहले से दूसरे कनेक्ट करो और दूसरे तीसरे कनेक्ट करो. सिमिलरली आपको पता है यहां से कॉमा के बाद क्या है, ए है, ई है और डी एफ है. मतलब बेसिकली अगर आपको यहां पर ए से ई जाना है, सॉरी अगर आप ये समझो आपको अगर ए से एफ जाना है, ठीक है, तो ए से एफ कैसे जाओगे, पहले ए से डी जाओ फिर डी से एफ जाओ. ठीक है, तो कॉमा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारे सेपरेट है, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी. जैसे कि आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है सर फर्स्ट वाला सी एन डी होगा या फॉल्स होगा. ठीक है श्यामा, अभी देख के बताते हैं. एफ और बी जाना है, एफ से बी जाना है, तो अगर आप एफ से बी जाओगे यहां पर क्या सिंबल है, एफ इज ग्रेटर देन बी, एफ इज ग्रेटर देन बी है, तो कोई फायदा नहीं है चेक करने का, भी कोई फायदा नहीं है. ये डेफ ये आपका सी एन डी होगा श्यामा भी, क्योंकि अगर आप F से B जाना चाहते हो तो आपको F से D जाना पड़ेगा और उसके बाद D से C और C से B. बट अब आप यहां पर देखो कि F greater than B है तो यहां पर तो ऑलरेडी अपोजिट सिंबल आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रास्ता क्या है F से B जाने का, आप जाओगे F से D फिर D से C उसके बाद C से B. आपको बोला क्या जा रहा है, एफ ग्रेटर देन बी. ओके सॉरी, ये आपका सी एन डी नहीं होगा, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि आगे फर्दर चेक करना था सिंबल एक एक ही दिशा में थे. बेसिकली कहने का मतलब ये है यहां पर क्या है, F is less than D, D is less than C and C is less than B. तो यहां पर जो रिजल्टेंट है वो ये है कि B is greater than F. ओके, और यहां पर आपको दिया क्या जा रहा है, F is greater than B. तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है शाम भी, वो होगा डेफिनेटली फॉल्स. ठीक है, क्योंकि सिंबल्स का डायरेक्शन चेक करना जरूरी है. क्या समझ में आया, बी से ई कैसे जाएंगे, बी से ई कैसे जाओगे, बी से ई कैसे जाओगे, तो पहले बी से ए जाओ फिर ए से ई जाओ. रिया बी से ए जाओ ना, बी से ए क्या दिखाई दे रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन ई. समझ में आया रिया, जरूरी थोड़ा ना इसी डायरेक्शन में जाओ, आप पीछे से भी जा सकते हो ना, उसमें दिक्कत क्या है. ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन ई, इसका मतलब क्या है, बी और ई के बीच में रिजल्टेंट क्या बन रहा है, बी इज ग्रेटर देन ई. Therefore, option number 2 is definitely true. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, conclusion 2 is false. कोई डाउट किसी को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? F is greater than B. बोलिए.
सर ये फर्स्ट वाला जो है सर ये कैसे मतलब चेक करेंगे मतलब सर कैसे जाएंगे सर देखो मतलब ट्रैवर्स कैसे करेंगे जहां से यहां पर चेक करो ना यहां पर क्या दिया है एफ से बी जाना है ना तो देखो यहां पर एफ से एफ से डी जाओगे फिर डी का रिलेशन कहां है यहां है डी से सी सी से बी बात खत्म जहां पर कनेक्टिंग पॉइंट दिखेगा वो वहीं से तो कनेक्ट करोगे तो एफ यहां पर क्या दिया हुआ है एफ इज लेस देन डी उसके बाद डी डी इज लेस देन सी सी इज लेस देन बी तो F और B के बीच में जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा B इज ग्रेटर देन F अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कंक्लूजन क्या कह रहा है F इज ग्रेटर देन B मतलब जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसलिए इसका आंसर है डेफिनेटली फॉल्स एक चीज याद रखना यहां पर डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स के बीच में आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखना समझना और फर्क करना सीख लेना क्योंकि इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस आपके फिलर और रिवर्स इनइक्वालिटी के आते हैं और वहां पर क्वेश्चन में डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स के बारे में पूछा जाता है तो अगर आपको फर्क नहीं पता होगा तो आप उसका आंसर 110% गलत दोगे ठीक है इसलिए फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझते हुए चलना आज की क्लास और जो अगली क्लास होगी इनइक्वालिटी की उसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए ओके सर क्लियर है सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ओके देखो ये वाला क्वेश्चन E इज ग्रेटर देन A एंड F इज ग्रेटर देन D ये क्वेश्चन करने में आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है और इस चीज की इंपॉर्टेंस समझना कि अगर आप 10 सेकंड में तीन क्वेश्चन करते हो तो मतलब 30 सेकंड में आपने तीन क्वेश्चन कर लिए ठीक जितने जल्दी आप बैंकिंग वालों के लिए बोल रहा हूँ जितनी जल्दी आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कर लोगे उतना ज्यादा टाइम और उतने फ्री माइंड से उतने ही फ्री माइंड से सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व कर पाओगे ठीक है क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा टाइम लग गया ना तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो बन सकते होंगे वो भी गलत हो जाएंगे ठीक है तो दोनों तरफ से प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है अब जैसे कि रिया देखो ध्यान से यहाँ पर ई इज ग्रेटर देन ए तो रिया ई टू ए कैसे रुक जाओ ई से ए कैसे जाओगे रिया दीपक ध्यान से देखो ई से सी जाओगे फिर सी से बी और बी से ए तो कैसे बनेगा ई इज ग्रेटर देन सी सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू ए देयरफॉर क्या सिंबल्स आ रहे हैं ग्रेटर देन क्योंकि दो ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का रिजल्टेंट क्या होगा ग्रेटर देन देयरफॉर ई इज ग्रेटर देन ए ये आपका डेफिनेटली ट्रू क्या है ट्रू है ट्रू और डेफिनेटली ट्रू में कोई फर्क नहीं होता तो कुछ भी बोल सकते हो उसके बाद एफ इज ग्रेटर देन डी ठीक है हाँ एफ से डी कैसे जाओगे रिया देखो एफ इज ग्रेटर देन डी तो कैसे जाओगे पहले एफ से सी जाओगे फिर सी से डी जाओगे तो एफ इज ग्रेटर देन सी और उसके बाद क्या दे रखा है सी इज ग्रेटर देन डी तो इसका मतलब क्या है एफ और डी के बीच में क्या आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है तो एफ ग्रेटर देन डी ये भी आपका ट्रू है ट्रू है इसका आंसर क्या होगा बोथ वन एंड ट्रू फॉलो समझ में आया रिया और दीपक चेत्रा बाकी लोगों को समझ में आ रहा है इशिका इंदु हिमांशी दिव्या दीक्षा दीपक चलसी चेत्रा जी सर आ रहा है क्षितिज मनीष मनीषा महक मुस्कान निवेदिता निष्ठा पूर्वी राधिका शिवानी सोनाली स्वाति चल ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो ये क्वेश्चन करो पहले इसका आंसर दो अब उसके बाद नंबर क्या आता है बेसिक के बाद अब नंबर है थोड़ा सा आगे बढ़ने का ठीक है क्योंकि आपको यहां पर भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आइदर वन और टू तो इसके संग क्या करना है वो आप सीखेंगे और ये कब पॉसिबल होता है वो देखेंगे ओके सोनाली कह रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स ओके सोनाली देखते हैं यूज लेस देन एस बोल रहा है ना ये उमंग आपको समझ में आ रहा है यस सर ओके उमंग सर फर्स्ट ही ट्रू लग रहा बस ट्रू लगना नहीं चाहिए निवेश ट्रू होना चाहिए हाँ मतलब वो ट्रू ही है सेकंड वाला फॉल्स है ओ. चलो देखते हैं
ओके एस इज ग्रेटर देन क्यू का मतलब वो कैसे सी होगा देखते हैं एस इज ग्रेटर देन क्यू के लिए क्या करेंगे पहले एस इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज इक्वल्स टू क्यू देयरफॉर क्या बोल सकते हैं एस ग्रेटर देन क्यू ट्रू है ये चीज इसमें क्या दिक्कत है ये बिल्कुल सही है क्यू ग्रेटर देन एस तो जब एस इज ग्रेटर देन क्यू डेफिनेटली ट्रू बोल रहे हो तो इसको तो बोलना पाप है फिर इसका मतलब ये तो आपका क्या हो जाएगा ये होगा डेफिनेटली फॉल्स और ये होगा आपका ट्रू समझ में आया मैं सोच रहा था शायद ये वो केस है बट वो केस अभी आया नहीं है ठीक है क्लियर है यहाँ तक सर आर लेस देन एस अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है एस इज ग्रेटर देन मैं कंफ्यूज हुई थी मुझे लगा आर ग्रेटर देन एस ओके क्लियर चलो ठीक है जब यहाँ पर आए हैं तो इस चीज की बात भी कर लेते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर तक आपको क्लियर होगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट देता हूँ पहले तो मुझे ये बताओ फर्स्ट और सेकंड में ट्रू कौन सा है डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है और फॉल्स कौन सा है पहले बात करेंगे पहले वाले कंक्लूजन की और आपको बताना है ट्रू डेफिनेटली फॉल्स या फॉल्स ये तीन ऑप्शन है आपके पास सर सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स है और फर्स्ट वाला ट्रू है अच्छा दीपक फर्स्ट वाला फॉल्स फर्स्ट वाला ट्रू है रितेश फर्स्ट वाला ट्रू है तो एविडेंस दिखाओ कहां पर है देखो अगर कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है चीजों में तो नंबर लाइन इज द बेस्ट ऑप्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी तो मतलब एक केस में बी ग्रेटर देन सी मतलब वही आ रहा है कि अगर इक्वल होगा तो ग्रेटर नहीं होगा वैसा कुछ आ रहा है तो अगर ट्रू बोलना है अनिमेश तो सारे केसेस में ट्रू होना चाहिए तभी तक आप ट्रू बोल सकते हो वरना ट्रू नहीं बोल सकते मतलब और मैंने आपको बताया भी था कि ए और सी के बीच में रिजल्टेंट अगर ये दोनों सिंबल्स हैं तो रिजल्टेंट होगा ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू ना तो ये सही है ना तो ये सही ना है वो सही है ठीक है समझ में आई इतनी सी बात अब देखो यहां पर अब होता क्या है यहां पर आइदर और कब लगा सकते हो तो दो केसेस में यहां पर आइदर और लगता है पहला केस कब आपका यहां पर स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है ये मिल रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और अगर आपके दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं इंडिविजुअली गलत है ए ग्रेटर देन सी ए इक्वल सी दोनों इंडिविजुअली गलत है अगर आप इसको कंबाइन करते हो फर्स्ट और सेकंड को तो क्या मिलेगा आपको यही मिलेगा हाँ या ना करके बताओ जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको यही मिलेगा और ये जब आपने दोनों कंक्लूजन्स को कंबाइन कर दिया तो आपको क्या मिला जो आपका स्टेटमेंट बोल रहा है तो इस केस में क्या होता है जब आप दो कंक्लूजन को कंबाइन करते हो और उनका जो रिजल्टेंट है वो आपके स्टेटमेंट जैसा हो तो उस केस में आप आइदर और लगा देते हो क्या ये बात समझ में आई अनिमेश आइदर और तो सर हाँ सर मतलब ये तो आ गया बट यही रहेगा ना कि आइदर और तभी आएगा कि जब मतलब हमारे पास ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू बन रहा है तभी सिर्फ आएगा ये हाँ नहीं तो और केसेस में हमें चेक करनी नहीं है वो डाउटफुल केसेस वी टेक दिस ओनली व्हेन बोथ आर फॉल्स महक और क्या एक बात बताओ महक आप सर प्लीज रिपीट ठीक है अपनी रिपीट करता हूं महक एक बात बताओ जो चीज 100% ट्रू है आइदर का मतलब क्या होता है दो चीजों के बीच में क्या जब शेयरिंग होती है तो उन्हें 50-50% हिस्सा मिलता है तो जो चीज 100% ट्रू है वो 50% के लिए क्यों जाएगी ठीक है मैं क्लियर पॉइंट ओके कमिंग बैक टू रवनीत रवनीत बात ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर आपको ये चीज पता है रवनीत आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हो आज जब ए और सी की बात हो रही है यहां पर स्टेटमेंट में तो क्या आ रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी ये स्टेटमेंट का रिजल्टेंट है रवनीत ये स्टेटमेंट का रिजल्टेंट है अब आपने जब देखा स्टेटमेंट कंक्लूजन वन ए ग्रेटर देन सी ये तो फॉल्स है क्योंकि यहां पर रिजल्टेंट क्या है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है ठीक है
अब यहां पर आप लोग डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो. क्यों नहीं हो डेफिनेटली फॉल्स? क्योंकि आप यहां पर जब देखो स्टेटमेंट को, तो जो स्टेटमेंट का रिजल्टेंट है वो अपने आप में ही एक डाउटफुल नेचर का है. क्यों? किसी भी दो सिंबल्स के बीच में इस तरीके का सिंबल या इस तरीके का ऑपरेटर यूज करने का मतलब क्या है? कि वो दो कंडीशन बता रहा है और दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दिया. तो यहां पर ए ग्रेटर देन सी बोलना ये एक डाउटफुल है, ये एक डाउटफुल है. सिमिलरली ए इक्वल्स टू सी ये भी डाउटफुल है. बट अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे तब रिजल्टेंट क्या बनेगा? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, और ये क्या होगा आपका? ये चला जाएगा आइदर और में. क्या इतनी सी बात समझ में आई रवनीत? सबको समझ में आई? अब एक चीज और आपसे मैं पूछता हूं, अगर यहां पर आपके पास एक और कंक्लूजन ये होता a लेस देन c, अब मुझे पता है ये गलत है, मुझे बताओ ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स है सर, डेफिनेटली कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो a की तरफ डाउटफुल है, c की तरफ गया तो डेफिनेटली फॉल्स होगा. तो ये आपका क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा. क्या सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार थम्स अप करके बता दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे. सर एक चीज और. सर एक एक करके निमेश पहले आप बोलो, दीपक फिर रुक जाओ. जैसे अगर मैं ए और डी में रिलेशन फाइंड करता तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी आता ना? वो ही आता सिर्फ. ठीक है सर. ओके दीपक बोलो. सर सर मैं ये पूछ रहा था, अभी जो हमने ये क्वेश्चन करा 4 वाला सर, जिसमें आर इज लेस देन एस लिख रहा है, तो जब हम ट्रैवर्स कर रहे थे तो सर s इज लेस देन r, और उसके बाद सर हम r इज इक्वल्स टू q पे गए, तो सर ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है गिवन जो है सर, बताओ अब बताओ. हाँ हाँ सर, तो मतलब हम ये लिखे कि s इज लेस देन r. s इज लेस देन r क्यों लिखोगे बताओ? आप तो देखो ना, s तो ग्रेटर देन r है ना, स्टेटमेंट में क्यों चेंजेस कर रहे हो? हाँ मतलब s ग्रेटर देन r है. हाँ. और उसके बाद सर हमने लिखा r is equals to q, तो वो तो दिया हुआ है. अब तो जो आप इसको इस तरीके तो सर मतलब मैं ये पूछ रहा था, तो वो तो equals to रहेगा. हाँ सर ये तो given है. हाँ ये तो given है सर. मैं ये पूछ रहा था मतलब फिर हम ये जो p वाला जो है सर, हमने इसको traverse क्यों नहीं किया? मतलब p जो ये p equal to सर, ये बीच वाला statement जो है p equal less than मतलब greater than equal to q, p is greater than q. हाँ सर ये वाला. तो p की तो requirement ही नहीं आई ना अभी तक कंक्लूजन में, तो बात ही नहीं करी इसके ऊपर. अगर आपको पी से क्यू जाना है तो इसकी तो बात ही नहीं हुई ना अभी तक, मैंने तो कुछ किया ही नहीं. अच्छा जहां से जाना है सिर्फ हम उस चीज को कनेक्ट करेंगे मतलब. अरे आपको क्यू से एस जाना है ना, तो क्यू से अगर पी जाओगे तो फिर पी से एस कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे. तो इसलिए आपको कैसे जाना है क्यू से एस? क्यू से एस कैसे जाओगे? एस से जाओगे आर, और आर से फिर जाओगे क्यू. ठीक है, तो कनेक्टर देखना पड़ेगा ना क्या कनेक्ट कर सकता है उसको. डन सर. हाँ बोलो निमेश. सर इसमें रीस्टेटमेंट तो ट्रू रहेंगे ना कि फॉल्स होंगे वो भी? यहाँ पर अगर आपको ये दिया जाए a ग्रेटर देन b है और a ग्रेटर देन b दिया जाए तो यहाँ पे करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन से क्या समझ आ रहा है वो बताना है. तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली अनिमेश होता क्या है कि रीस्टेटमेंट वगैरह आते नहीं है इसमें भी, लेकिन वो ट्रू कंसिडर करे जाएंगे यहाँ पर. हाँ वही मैं मतलब जैसे यहाँ एक और कंफ्यूजन p और q में दे दिया होता, और क्योंकि ये लॉजिकल का टॉपिक नहीं है, ये आपका एक्सप्रेशन बेस्ड टॉपिक है, तो यहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. ठीक है, सबको समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर. चलो एक और कॉम्प्लीमेंट्री केस बनता है, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कल बताऊंगा, आज ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, वो चीज कल एक्सप्लेन करूंगा, अभी क्वेश्चंस करो आप. चलो यहाँ तो एक विदाउट एनी कॉमा ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, s इज ग्रेटर देन y, तो s ग्रेटर देन y बिल्कुल सही है. उसके बाद z इक्वल्स टू s, तो z और s के बीच में तो जो अपोजिट फेसिंग वाले सिंबल्स ऐसा कुछ नहीं है. z इज इक्वल्स टू s जो है आपका सिंबल्स तो एक साइडेड ही है, ये आपका एक्चुअल में डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि z इज नॉट इक्वल टू s बट s इज ग्रेटर देन z, वो सारे सिंबल एक ही साइड है इसलिए. हाँ, और ये आपका ट्रू है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलो. ठीक सर, एक चीज पूछ रही थी. हाँ बोलो.
सर ये मतलब जो डेफिनेटली फॉल्स वगैरह हम ये लोग बोल रहे हैं तो मतलब ऐसे ऑप्शन में लिखा होगा कि मतलब फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स में से एक चूज करना। अभी अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब रिवर्स इनइक्वालिटी बताऊंगा और जब फिलर इनइक्वालिटी बताऊंगा। पांच टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी में, अभी जो कर रहे हो। अच्छा अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री, कोडेड, रिवर्स, फिलर। तो रिवर्स और फिलर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डेफिनेटली होगा, तब वहां पर फंस जाते हैं लोग जिनको क्लियर नहीं होते मीनिंग इसके। अच्छा, तो सर ये जो क्वेश्चन है इसको करने का, ये सर क्वेश्चन है इसको करने का मतलब वो भी था ना कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, वो वाला भी अप्रोच लगेगा इसमें सर? वो उसमें लगेगा, कोडेड वाले में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन से इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो लगता भी क्यों है वो भी बता दूंगा, क्योंकि जब हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो हम बॉक्स को फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करने का मतलब ये है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, वो बॉक्स को समझ में नहीं आता, इसलिए हमें वहां पर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कोडेड इनइक्वालिटी भी देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन करने, सिर्फ जो रिजल्टेंट हो सकता है वो निकालना है। ओके, सेकंड वाला एक बार एक्सप्लेन करिए ना। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर जेड और एस के बीच में आपके अकॉर्डिंग रितेश क्या होना चाहिए, कौन बड़ा है? एस ग्रेटर देन जेड है। अगर एस ग्रेटर देन जेड है, क्लियरली डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, तो जेड इक्वल्स टू एस तो गलत होगा ना। तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। सी एन डी नहीं होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। बेटा जब आपको पता है कि एस ग्रेटर देन जेड है तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। एस इक्वल टू जेड, ये भी फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। और एस लेस देन जेड, ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट मिला है ना, ये ग्रेटर देन एक सिंगल साइन है ना, सिंगल। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? डेफिनेट बता रहा है वो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तब अलग चीज होती है, क्योंकि वो डाउटफुल तरह का सिंबल है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलने का मतलब ये है कि या तो ग्रेटर है या इक्वल्स टू है, बट ग्रेटर बोलने का मतलब ये है हमेशा ग्रेटर होगा। समझ में आया? सी एन डी नहीं होगा, निविता डेफिनेटली फॉल्स होगा, ये समझो चीज को। बोलिए रिया। बोली निवेदिता, सेकंड सीएनसी एक बार बताना। इंदु आपको समझ में आया? इंदु गोस्वामी, हाँ बोलो। ठीक है निवेदिता। रिया कह रही है अगर जेड इज होता तो सीएनडी होता। हाँ बिल्कुल होता। सीएनडी का मतलब समझो रिया, अगर मैं बोल रहा हूं ए ग्रेटर देन बी, बे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यहाँ पे क्लियर है ना कि ए ग्रेटर देन सी होगा, ये चीज बिल्कुल 100% क्लियर है। तो यहाँ पर फिर ए इक्वल टू सी बोलना, ए लेस देन सी बोलना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बोलना, ये सारे डेफिनेटली फॉल्स होंगे। जब बेटा दो वेरिएबल्स के बीच में एक डेफिनेट रिजल्ट निकल रहा है, वो भी कैसा, सिंगल सिंबल वाला, तो वो हमेशा डेफिनेटली फॉल्स होंगे, कंक्लूजन जो उसके अगेंस्ट बोलेंगे। लेकिन जस्ट अभी पीछे एग्जाम्पल देखा था, वहां पर लिखा हुआ था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला था ए ग्रेटर देन सी, मैंने बोला था a इक्वल टू c, मैंने बोला था a इज लेस देन c, तो यहां पर a ग्रेटर देन और a इक्वल टू ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स थे। क्यों फॉल्स थे? क्योंकि रिजल्टेंट क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू, डाउटफुल है। डाउटफुल किस चीज के लिए? या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, तो ये दोनों डाउटफुल थे इसलिए फॉल्स थे। अब ये जो है a लेस देन c, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये डेफिनेटली फॉल्स था। हाँ तो आइदर वाला आएगा तो ऑप्शन तो होना चाहिए ना, किस चीज के लिए कह रहे हो? इफ इट इज ग्रेटर देन मैं देन इट्स ट्रू। राधिका आप ना अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि आप क्या चीज पूछ रहे हो वो क्लियर नहीं हो रहा। अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे हो सर? अगर s ग्रेटर देन m देन ट्रू होगा, s ग्रेटर देन m ट्रू होगा, यहां पर बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर s और m के बीच में क्या सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर देखो क्या रिजल्टेंट आएगा, एस इज ग्रेटर देन एम, सही है, डेफिनेटली ट्रू है ये। क्लियर हुआ राधिका? क्लियर। रिया आपको क्लियर हुआ पॉइंट? 1 and 2 के लिए आइदर वाला आएगा अगर ऑप्शन होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, डाउट वाला फेस। ठीक है, और कोई डाउट किसी को
निवेदिता को डाउट या क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है रिया क्लियर है, अगर कुछ पूछना है तो बेटा अनम्यूट करके पूछ लो, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आपके डाउट्स ले लेते हैं, बताओ क्लियर है ना, कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके आराम से बोल सकते हो। ठीक है ओके ठीक है, हम लोग नया कुछ नहीं पढ़ रहे, टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो बोलो पूछ लो, क्लियर है तो सब लोग सीएलआर लिखकर भेज दो जिससे कि मुझे भी क्लियर हो जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया सब। बोलो दीपक सर, ये इनइक्वालिटी में जो हम ये एक्सप्रेशन वाले पढ़ रहे हैं और जो सर मतलब कोडेड वाला पढ़ेंगे, ये दोनों मतलब एक ही है, मतलब एक ही टॉपिक के दो पार्ट है, ये चलेगा एक ही बेस के ऊपर, मतलब इसका आधार सेम है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम है, बस कोडेड को इसलिए पढ़ते हैं दीपक उस तरीके से जिससे टाइम बचा सके। ठीक है, वो जो पैटर्न डिजाइन किया है ना बॉक्स का, वो टाइम बचाने के लिए किया है, क्योंकि वरना कर तो आप जनरल वे में भी सकते हो, उठाकर सिंबल्स को कन्वर्ट कर दो, वो ये दे रहा है कि एट द रेट का मतलब ग्रेटर है तो बस कन्वर्ट करके लिख दो भाई, लेकिन कब तक कन्वर्ट करोगे और कहाँ कहाँ कन्वर्ट करोगे, पूरे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करोगे, फिर कंक्लूजन को कन्वर्ट करोगे, फिर समझोगे, टाइम लगेगा नहीं लगेगा उसमें? लगेगा सर, बहुत टाइम लगता है उसमें, 5 मिनट लगती है अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो, लेकिन अगर उन 3 क्वेश्चनों को बॉक्स बदल के बेस पर करोगे तो 1.5 मिनट लगता है मात्र, कितना फर्क है। ठीक है तो वो भी देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है तो सब लोगों को क्लियर है, सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, कल क्लास में आगे डिस्कशन जो होगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के ऊपर। सर आई हैव अ डाउट इन प्रीवियस चैप्टर बिकॉज सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया था, सो आई हैव डाउट इन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है राधिका, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं अनाउंस करूंगा कि डाउट सेशन में लेने वाला हूँ तो अपने डाउट को सेव करके रखना, और मैं जब बोलूं तब उसको आप उस ग्रुप में सेंड कर देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब इस पर्टिकुलर दूसरे टॉपिक का डाउट सेशन लूंगा तब उस डाउट को मैं कंसीडर कर लूंगा। ठीक है चलिए फिर ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम, यू आर नाउ म्यूटेड।